ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा, उसे कोई जरा दिया। कहा कि बल जान ने तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए। तिरपाल पर बैठ के नहीं, कुछ भी नहीं, तिरपाल पर दिए चूड़ा, वही खा के हम दिन काटे हैं, रात भर रहे हैं। एक जमीन का टुकड़ा और दबंगों ने राख कर दिए 80 आशियाने। अब सड़क पर रात गुजर रही है और चूड़े भाग के पेट भर रहे हैं। न सर छिपाने को छत है और न तन ढाकने के लिए कपड़े बचे हैं। उस आशियाने में खाक हो गया सब कुछ। ये उस महिला के दर्द हैं जो कराह कराह कर अपने दर्द बयान कर रही। बुधवार की रात नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास स्थित कृष्णनगर दलित बस्ती के लिए काली रात से कम नहीं थी, जब दबंगों ने दलित टोले के 80 घरों को फूंक दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर आग में जले और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, पर घर 20 हो या 80, घर तो घर होते हैं। सुनिए दर्द से कराहती इस महिला की आप बीती। अपना नाम बताएं। सुनीता देवी। सुनीता जी, ये बताइए कि कल आप कहाँ थी जब ये सब हुआ? हम लोग रोटी पका रहे थे, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था। वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा, उसे कोई जरा दिया ना, जुड़ा पानी पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में। अब कहा कि बल जान ने तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए, जहाँ तहाँ काटा में छुप गए, बाल बच्चा को ले लेके। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जा मार देंगे सबके, निकलो ने तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो भी गोली फायरिंग किया तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से थी, काटा में लुक गए। कहा कि अब हम लोग के जीवन बचेगा तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर अपना जगह पर, वहीं से हम लोग लुक गए। फिर आया प्रशासन, तो हम लोग आए हैं यहाँ पर, प्रशासन तक फोन किए तो प्रशासन घूर गए, दू गो आए गाड़ी से 112 तो घूर गए। तो हम लोग घूर गए, उसे घूर गए तो हम लोग के भी कहा भाग जाओ, तो हम लोग फिर भागे लगे। फिर आया दोबारा प्रशासन, तो रात भर रहा, तो हम लोग रहे यहीं पर रात भर, अनाज उनाज पूरा पैसा कौड़ी सब जार दिया। हम लोग के एक व्यवस्था नहीं है, क्या खाएंगे, क्या बच्चा कच्चा खिलाएंगे, मेरा 10 गो बच्चा था, क्या कैसे करके खिलाएंगे, एक ठो कमाने वाला है बच्चा कच्चा, बूढ़ा बूढ़ी कौन खिलाएगा, उसका कौन अथी देखेगा। बताइए कि आपका घर पूरी तरह से जला दिया गया, उसके बाद कल रात आप लोगों ने कैसे बिताई, कहाँ रुके आप? रात बिताए हैं रोड किनारे में, पुलिस आया तो प्रशासन के साथ में बिताए हैं रात, तिरपाल पर बैठ के नहीं, कुछ भी नहीं, तिरपाल पर दिए चूड़ा, वही खा के हम दिन काटे हैं, रात भर रहे हैं। अखने क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, हम लोग के क्या बच्चा कच्चा खाएगा, हम लोग के कोई व्यवस्था दीजिए। जैसा आपने सुना, साफ तौर पर जो स्थानीय नागरिक है जो इस आग की विभीषिका से पीड़ित हैं, वो साफ तौर पर इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें, इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, पर सवाल अभी भी ये कि सुशासन बाबू के राज में ये दबंग गई कब तक। नवादा से आदित्य वैभव की रिपोर्ट, बिहार तक।